आज सीकर में पीपराली रोड स्थित कायम हॉस्टल की विजिट पर हम थे और बातों बातों में पता चला कि यहाँ कायम हॉस्टल के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची जिसने घर में रहकर पढ़ाई की कोचिंग के अलावा और उसने लगातार मेहनत करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और नीट 2024 में 692 अंक प्राप्त करते हुए उन्होंने मेडिकल की MBBS की गवर्नमेंट सीट अपने लिए रिजर्व कर ली है, पक्की कर ली है। तो उस बच्ची की फैमिली से, परिवार से हम आपको मिलाते हैं। मुस्लिम बिरादरी एजुकेशन में काफ़ी पीछे है और मुस्लिम में भी धोबी समाज जो आता है वो बहुत पीछे है। बहुत कम बच्चे धोबी समाज के नीट JEE में और इस तरह की परीक्षाओं में आगे निकले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो इस परिवार को समर्पित है। आइए बात करते हैं बच्ची से, उनके अभिभावकों से, कि गर्व के इन पलों को वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी सोच थी और किस तरह से सपने को वो पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद रूबीना आपको। थैंक यू सर। क्या महसूस करते हैं, क्या लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी वजह से मेरी फैमिली प्राउड फील करेगी। मतलब मैं हमारे पूरे घर में पहली डॉक्टर होंगी और मुझे देख के मेरे छोटे भाई बहन है वो आगे बढ़ेंगे, हमारे समाज की और लड़कियां वो मुझे देख के आगे बढ़ेगी। तो मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो। कहां से सफर शुरू हुआ, कब आपको लगा कि रूबीना है वो डॉक्टर रूबीना हो सकती है? ये वाला तो जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मेरे दादाजी ने बोल दिया था कि इसको तो डॉक्टर ही बनाएंगे। तो दादाजी तो नहीं रहे पर उनका सपना तो पूरा करना था। फिर जब मैंने 12th की थी, हमारी फैमिली की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने नहीं सोचा था कि मैं तैयारी कर पाऊंगी, पापा तैयारी करवा पाएंगे। फिर मेरे सर थे नदीम सर, मेरे स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि तू कर सकती है। तो फिर उसके बाद मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था। एक साल तो मेरी कोरोना के अंदर मैं घर पे रही थी। फिर उसके बाद मैं 3 साल लगातार तैयारी की। उसके बाद 2024 में इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कहीं आपको लगा कि भाई जो अपनी कम्युनिटी है उसमें रेशो भी कम है, कहीं आपको लगा कि अपने बस की बात नहीं है और चेंज कर लेना चाहिए, या जो दूसरा जो कम स्कोर पर जो ये आयुर्वेद वगैरह मिलती है उस पर संतोष कर लेना चाहिए, ये भी दौर देखना पड़ा क्या, या लगा कभी ऐसा आपको? जब सेल ऐसे मार्क्स कम रह गए थे, जैसे 587 मार्क्स थे, थोड़ा सा कम रह गया था, तो सोचा कि ले लेते हैं। फिर मैंने ऐसा सोचा कि अब एक साल और ट्राई करके देखते हैं, जब अपने साथ वाले डॉक्टर होंगे तो अपन को ऐसे फील होगा कि काश हम खुद को एक टाइम एक मौका और देते। फिर अल्लाह पे यकीन था कि कोई ना सब्र करेंगे और मेहनत करेंगे तो वो फल तो ज़रूर देंगे। कौन सी कोचिंग थी आपकी और कोचिंग का कितना रोल मानते हैं अपनी सक्सेस में आप? मैंने PCP से तैयारी की थी, उसका रोल मैं 90-95% के आसपास, क्योंकि मैंने पूरा दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक ना कोचिंग में ही रहती थी पूरे दिन। सेल्फ स्टडी, हमारे टीचर्स थे उनके बीच में रहना, हम वहाँ पे पूरे हमारे जैसे बच्चे थे तो एकदम ऐसा कंपटीशन वाला माहौल रहता था और दूसरे बच्चे नहीं थे, सारे अपने जैसे थे, तो बिल्कुल कंपटीशन वाला माहौल के बीच में तैयारी की थी। बहुत बड़ा क्राउड है, अभी 2 दिन पहले ये खबर आई है कि ऑल इंडिया में नंबर 1 पर है सीकर नीट JEE में, तो और यहाँ बहुत बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आप वाली सिचुएशन उनके साथ है, तो संभव है अगर लगातार आदमी लगा रहे, लगातार मेहनत करे, अपने ड्रीम को नहीं छोड़े तो। हाँ सर बिल्कुल संभव है, जब अपन खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, फिर प्रॉब्लम उतार चढ़ाव ये तो सब लाइफ का पार्ट है। जब आपने नीट की तैयारी शुरू की, क्या शेड्यूल रहता था आपका उस वक्त? जैसे सुबह कोचिंग जाना, कोचिंग के बाद में जैसे हमारी 1 बजे के आसपास कोचिंग छूट जाती थी, उसके बाद घर आके फिर पढ़ने लग जाना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो तैयारी कर रहे हैं उनको बस रेगुलर क्लास लेनी है, क्लास एक भी नहीं छोड़नी है, ना कोई पेपर छोड़ना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नॉर्मली यहाँ संडे को पेपर होते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो पेपर नहीं देना, तो ऐसा नहीं करना है। जितना अपन को आता है उतना अपन देख सकते हैं कि चलो अपन ने पढ़ाई नहीं की फिर भी अपन कितना आउटपुट दे पाते हैं, तो पेपर सारे अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद पेपर को अच्छे से एनालाइज करना।
कि मैंने क्या क्या गलती की, क्या गलती नहीं की, मुझे कितना आता है, जो आता है मैं कितना याद रख पाती हूँ। पेपर सारे अटेम्प्ट करने हैं, पेपर सारे देने हैं, उनको फिर से चेकआउट करना है, वरना 3 घंटे 20 मिनट का कोई फायदा नहीं है। आपकी सक्सेस का क्रेडिट, अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पापा है, वही है, उन्होंने बोला बेटा तू कर सकती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, हंस के बोला कोई बात नहीं बेटा तू कर सकती है, दूसरी बार भी पापा नहीं हुआ, पापा बोले कोई बात नहीं मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, तो बस पापा का साथ साथ में था ना तो सब ठीक है। दादाजी याद आते थे बीच बीच में? दादाजी बिल्कुल याद आते थे, जब ऐसे थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो खुद को बोलते हैं दादा का सपना तो पूरा करना है, उनका तो पूरा करना ही है, तो याद तो आते हैं। जब सिलेक्शन हुआ था तो भी ऐसा फील हुआ था, दादा होते तो उनका, उनको कितना अच्छा फील होता, उनको बोल के बताती दादा मैंने कर दिखाया। हमारे साथ कायम गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन सिमरन मैम है। अस्सलाम वालेकुम। आप बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल को संभाल रहे हैं जी। और पड़ोस में क्या इसको आप अपने परिवार का हिस्सा मान सकते हैं? हम सब लोग क्या महसूस करते हैं, किस अंदाज में आप इस बच्ची को मुबारकबाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई क्योंकि अपने मुस्लिम इसमें बहुत कम बच्ची हैं जो आगे निकल पाती है, क्योंकि पेरेंट्स, कुछ के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बट कुछ के नहीं करते हैं सपोर्ट, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि इनके पेरेंट्स इन्हें सपोर्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वजह से ये इतना आगे बढ़ पाएं। सेकंड, इनकी मेहनत है, जितने भी टाइम इन्होंने कोचिंग को दिया है, अपने बाकी सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया है। मैं बच्चियों को देखती हूँ वहाँ पे भी, 10-10 घंटे वो मेहनत करती रहती है, पढ़ाई करती रहती है, इन्होंने भी की होगी तो की होगी, क्या की है, इसलिए तो 692 नंबर आए। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। कायम बॉयज गर्ल्स हॉस्टल पूरी मेहनत कर रहा है, हर चीज, मतलब जो भी प्रोवाइड हो सकता है हमारी तरफ से हम वो चीज प्रोवाइड करते हैं उन्हें। उनका शेड्यूल ऐसा रहता है कि वो मॉर्निंग में कोचिंग वोचिंग जाते हैं, आते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना वाना मिलता है उनको, उसके बाद अगर बच्ची कहीं और जाती है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स भी है, क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं होता जब तक रूल्स तब तक बच्ची पढ़ाई नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी हो, चाहे घर पे हो चाहे हॉस्टल में, अगर आप बच्चों से रूल्स स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं कराओगे तो वो बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो वैसे ही रूल्स हम फॉलो कराते हैं। कहीं अगर वो बाहर जाती हैं तो उनके पेरेंट्स को पहले कॉल किया जाता है कि भाई बिना पेरेंट्स की परमिशन के हम बाहर नहीं भेजते बच्चियों को। और अभी इतने टाइम में कायम बॉयज एंड गर्ल्स ने बहुत सिलेक्शन ले लिए हैं जेई में प्लस नीट में, तो यही है बस कि इंशाल्लाह कायम से अच्छे खासे और सिलेक्शंस निकले। और रुबीना, अब जैसे काउंसलिंग हो रही है उसमें आप कॉलेज का ऑप्शन आपका होता है क्या, ये कॉलेज चाहिए या ऑटोमेटिकली मिलेगी आपको? नहीं, उसमें खुद का होता है कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए उनकी लिस्ट। ऑप्शन क्या क्या चयन किया आपने, यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। मुझे एम्स चाहिए, मेरी रैंक दिल्ली एम्स। फिर चॉइस सेकंड, हाँ कौन सी एम्स, ये भी सही बात है। एम्स मुझे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग एम्स बिलासपुर या बठिंडा वाले मिल सकते हैं, और भी दिल्ली वाला तो नहीं मिलेगा, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी पीजी एम्स दिल्ली से ही करूं। अच्छा अच्छा, और वो एम्स नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या प्राथमिकता आपकी? वैसे तो एम्स मुझे मिल जाएगी, उसके बाद राजस्थान में SMS भी नंबर 1 पे आता है तो वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, SMS भी मिल सकता है। चलिए, आपकी मुराद अल्लाह ताला पूरी करे और आप जो चाह रही हैं वो सारी की सारी चीजें मिले। रूबीना की दादी जी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, का हाल चाल? बढ़िया हाल चाल। पोती डॉक्टर बन जैसी, पोती डॉक्टर बन जैसी, डॉक्टर की खातिर मैं रात दिन ही दवा मंगी। क्या बात है, पोती की खातिर मैं नमाज पढ़ पढ़ के 500 के मैंने रात दिन पढ़ती, न तो मेरा जी पढ़ते हुए मेरी पोती रात दिन मेहनत कर ली है, अल्लाह तो इन कामयाब कर जी। और मैं अजलमी ने जरा करना ही रूबीना डॉक्टरनी को जब जलम करवायो मैं बोली ना रूबीना डॉक्टरनी को नाव कटाऊंगा नहीं, रूबीना डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। उस टाइम हॉस्पिटल में डॉक्टर रूबीना थी। हाँ। और उन्हीं के हिसाब से आपने नाम रख लिया। हाँ। और डॉक्टर बनाने का संकल्प जन्म के साथ ले लिया। दिन कर लियो मैं मन में इरादा, दोनों मोटे आलू भाई मारा, एक दादा को भी वही सुपनो हो क्या, रूबीना डॉक्टर की जलमाड़ी है, रूबीना डॉक्टर नहीं बनाऊंगा इन्हें। अभी मैं आई जबान काट दी, मगर रूबीना की जलमाड़ी है, रूबीना नाम काटांगा, वही से अच्छी प्रेरणा मिली है।
आज दुआ मांगी, आज दुआ मांगी अल्लाह से लाई को दादा को भी दिल ओई हो कि मेरी पोती डॉक्टर नहीं बने और मेरो भी दिल ओई हो। ये मूल किरदार है मोहम्मद सलीम साहब। अभी रूबीना से बात हम कर रहे थे, कह रही थी कि जहां डाउनफॉल आया पापा नहीं हुआ, तो पापा का ये कहना था हो जाएगा मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप सीधा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक पेरेंट से कि बच्ची हो या बच्चा उसको एजुकेटेड बनाओ, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, यही कहना चाहता हूँ। और एक ख्वाब था मेरे पिताजी का, वो तो नहीं है आज, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, आमीन। लेकिन उनकी पोती नाम कर दी आज हमारे समाज में, हम चंदेल समाज से हैं, हमारा गांव धनखोली है नौसल से कुछ किलोमीटर दूरी पे, वहां पर ये फर्स्ट और फर्स्ट होगी हमारा। तो सपना दादा का, पापा का, दादी का, हाँ दादा का सपना था और हमारा पूरा परिवार का सपना था कि हमारे भी खानदान से हम पूरा, हमारी पूरी फैमिली अनएजुकेटेड है, ये फर्स्ट फॉल होगी जो एजुकेटेड होगी। और सभी के माताओं से पिताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्ची हो या बच्चा उसको पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। राइट, बात बहुत करते हैं लोग बाग इंडिया को पढ़ाने की, बेटे बेटियों को पढ़ाने की, तो कहीं खुद सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो कहीं बच्चे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सलीम साहब को बधाई है, इनके पूरे परिवार को, इनके वालिद साहब मोहम्मद तालुद्दीन जी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उन सब की ये हिम्मत थी और उन्होंने सोचने की हिम्मत की इसलिए ये हो गया। अभी रूबीना से बात हो रही थी तो पूरा का पूरा बेक का काम है, ये सलीम साहब रहते हैं विदेश और एक मामूली नौकरी है इनकी, ड्राइवर वहाँ है, तो अपना पेट काट कर या सीमित संसाधनों में गुजारा करके और इन्होंने ये काम किया है। मेरा ये मानना है कि पेड़ होता है उसको लगाने वाला एक शख्स होता है, मगर उसके फायदे उठाने वाले लाखों दरिंदे परिंदे, हर एक परिंदों को भी छांव मिलेगी उसको भी सहारा मिलेगा। तो मैं यही मानता हूँ अगर एक घर में एक एजुकेटेड हो गया तो आपको पूरे परिवार को एजुकेटेड कर देगा। सबसे बेहतर है कि आपको अपने खून पे गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है ये कुछ कर सकती है, भरोसा होना चाहिए। और कभी भी मैंने मेरी अपनी बेटी को बेटी नहीं माना, मैंने कहा कि तू मेरा बेटा है, फर्स्ट का मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहे हाल चाल है, बढ़िया हो गया हाल अब तो? बढ़िया वालो बेटा, बढ़िया वाला राम। मेहनत बहुत करी मेरे रूबीना, रात दिन दुआ करती। और क्या क्या करना होता था आपको इसके लिए? इसके लिए सब कुछ करिया था। सपना तो मेरे पूरा कर दिया, डॉक्टर नहीं मिल जाए। पीसीपी का कैंपस काफी दूर है, वहां तक रोज पैदल जाते थे, घर का खाना इसको देकर आते थे, देकर आती थी, खुद बनाकर, खुद बनाता था। और चारों तरफ का जो कल्चर है वो तो ये कहता था कि बहुत मुश्किल है, आपने बना कर एक डॉक्टर नहीं, और ज्यादातर लोग कहे शादी कर दो। यही सबसे हमारे समाज में सबसे बड़ी यही है कि बेटी कितने साल की हो गई, 18 साल की, मतलब क्या करना है इसको, बस शादी कर दो ससुराल चली जाएगी। अब ससुराल जाएगी मानते हैं, बेटी राजा महाराजा के नहीं दबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी नहीं रुक सकी, ये तो हमारे, हम तो आदमी से इंसान है, बेटी जाएगी ससुराल, मगर ससुराल जाएगी तो वो दो परिवार का नाम करेगी ऊंचा। राइट, हाँ ये कहना चाहता हूँ मैं, जो भी मुसलमान है अपनी बेटी हो या बेटा उसको पढ़ाओ दबा के। मैं रूबीना का दादा लगता हूँ जिले से मैं, और मैं चंडेल खानदान से हूँ, और रूबीना मेरी पोती है, सलीम मेरा नेफ्यू भतीजा है। और इस बच्ची की ये प्रोग्रेस देखकर मैं इतना खुश हूँ कि पूछो नहीं, बहुत ही खुश हूँ। और हमारे चंडेल खानदान में इस बच्ची ने ये जो रोशन किया है नाम, इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटी हो तो ऐसी हो। इस बेटी पर मुझे बहुत गर्व है, ये पोती है फिर भी ये मेरी बेटी समान है, बेटी से भी ज़्यादा मैं मानता हूँ इसको, और ये इसने बहुत अच्छा किया। हम चंडेल खानदान से हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस रूबीना को देख के कि हमारी पोती आज डॉक्टर की पोस्ट पर होगी, MBBS करेगी, कितना मजा आएगा। दादी हो गया सपनों पूरा? हाँ, हो गया सपनों पूरा। खुशी अपने आप निकल रही है? बिल्कुल, ये मेरी भाभी है। हाँ हाँ हाँ, ये मेरी भाभी है, और ये भाभी माँ है मेरी, भाभी नहीं है भाभी माँ है, और ये मेरी रूबीना मेरी पोती है। जी फिरोज, क्या कहना चाहेंगे आप फिरोज साहब? बहुत खुश हैं हम तो, हमारे घर में एक ऐसा हुनार बच्चा निकला है, बहुत ज्यादा खुश है इसके लिए। लग रहा था पहले से आसान भी थे। हाँ, क्या लगते हैं आप इनके चाचा है सर?
जो तैयारी करते हैं उनको पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। उतार चढ़ाव तो बस आते रहेंगे, कभी टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, कभी अच्छे आ जाते हैं, मतलब जब ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि हाँ आता है सब कुछ, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कम नंबर आ जाते हैं तो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। ये सब पार्ट है अपना सिलेक्शन का, कम नंबर आना ज्यादा नंबर आना ये सब पार्ट है, ये तो सब चलता रहेगा, ये सिर्फ हिस्सा है। फाइनल मार्क्स तो आपके जब एग्जाम होगी 3 घंटे में आप कितना आउटपुट दे पाते हो उस पर डिपेंड करता है। बाकी का ये जो सफर होता है आपका तैयारी वाला, इसमें ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, एकदम आराम से अल्लाह पे यकीन रख के पढ़ाई करनी है कि अल्लाह काम, धैर्य के साथ काम करना है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह पे यकीन रखना है कि वो मेहनत का फल जरूर देंगे, वही है देने वाले। मेहनत होनी जरूरी है साथ में, तभी मिलेगा फल। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शेर जिस किसी ने भी लिखा है ये सीकर की डॉक्टर रुबीना के लिए ही लिखा है। विपरीत परिस्थितियों में जहां ग्रेजुएशन का रेशियो, आर्ट्स के भी बच्चे बहुत मुश्किल मिलते हैं, नॉर्मल तालीम के बच्चे वहां बहुत कम मिलते हैं, एक मामूली विदेश में मजदूरी करने वाले व्यक्ति के घर पैदा होकर इतना बड़ा ड्रीम देखना, और दादी जी अभी बता रही थी कि जन्म के साथ हमने सोच लिया। मुस्लिम कम्युनिटी में एक आईजी हुए हैं, वो कह रहे थे कि जन्म के साथ तैयारी करो, और एक अन्य डॉक्टर की वालिदा से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा शुरू से तैयारी करनी होती है, तो निश्चित रूप से शुरू से तैयारी हुई है। और एकेडमिक अगर रिकॉर्ड देखें रुबीना का, 10th में 83%, और इतना बड़ा इंप्रूवमेंट किया आपने 91.60 12th में, और उसके बाद लगातार प्रोग्रेस करते 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 आपने आपको बनाए रखा, धैर्य नहीं खोया, और लास्ट में सफलता है वो प्राप्त करके दम लिया। अब इसमें भी लास्ट में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी अभी जो लास्ट हुआ था रुबीना, कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, जो नीट का चला सुप्रीम कोर्ट में, डर लगा थोड़ी घबरा गई। हाँ सर, थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि इसी साल तो हुआ है, अपने साथ ही क्यों हुआ, लेकिन सोचा कोई नहीं हो जाएगा, अपन ने तो तैयारी करके दी है। उसमें भी अल्लाह ने आपको आपकी पूरी सुनी और आपके साथ और बच्चों को भी बचा लिया। आज पूरा सलीम साहब के घर जश्न का माहौल है, इनके ससुराल वाले और इनके परिवार वाले सारे लोग यहाँ जमा हैं। तो रुबीना बताएगी बधाई देने वालों में कौन कौन शामिल है, कौन कौन लोग आए हैं। मेरी नानी जी है, ये मेरी नानी जी है, ये मेरी नानी है, ये मेरी मौसी खाला है मेरी। खाला हाँ, और ये मामिया। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद, क्या ठीक है दोती? बेटी की भी आपकी बहुत मेहनत है इसमें, तो सारी जो माएं हैं उनको बेटियों पे भरोसा करते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये मौसी जी हैं, ठीक है मौसी तो माँ होती है, बहुत खुश हो आप, चलो अल्लाह का शुक्र है। सीकर के पीपराली रोड स्थित अक्सा मस्जिद के पास सलीम साहब, मोहम्मद सलीम चंदेल वल्द, तालुद्दीन जी चंदेल के घर हम लोग इस वक्त हैं, और कायम गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल की तरफ से इस बच्ची का स्वागत किया गया है। इस दौरान हम भी यहां आए हुए थे, तो पूरा परिवार बहुत खुश है, यहां जश्न का माहौल है और सब लोग खुशी से फूला नहीं समा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्यूनिटी में ख़ासतौर से धोबी समाज में भी एजुकेशन बहुत कम है, तो ये सब के सब लोग आज मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। ये सिमरन मैम हैं कायम गर्ल्स हॉस्टल से, और ये रिश्तेदार हैं इस ननिहाल से, और इनके खुद के परिवार से, इनके वालिद साहब के परिवार से। समरीन बहन बन गई डॉक्टर, आप क्या बनोगे? क्या बनना चाहती बेटी बोल। मैं भी इसी फील्ड में जाना चाहती हूँ। इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है, जब एक बच्चा आगे आता है तो दूसरे बच्चे भी उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ढेर सारी बातें हुई है सबसे, पूरी फैमिली से, और निश्चित रूप से आप सब लोग अगर एजुकेशन से प्यार करते हैं, तालीम से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं अल्फाज के साथ मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान।